बताइए क्या एनर्जी है आपके पास हमें सुनने को? समटाइम इट इज एडवांटेज लास्ट स्पीकर बन के, समटाइम इट इज डिसएडवांटेज. आई डोंट नो क्या एडवांटेज होने वाला है. बट एनीवे, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. Very good afternoon and our very special welcome to our guest speaker from Russia and Indonesia. Thank you for coming to India and thank you for motivating our leaders. And now it is our turn. We have 20 years experience in Oriflame. 20 साल से हम Oriflame के साथ जुड़े हुए हैं और आज कुछ golden experience हम आपके साथ शेयर करेंगे. बट बिफोर दैट आई लाइक टू आस्क टू एवरी वन हु वॉन्ट्स टू बिकम प्रेसिडेंट, प्लीज रेज योर हैंड. एवरीबडी, आई नो प्रेसिडेंट बनना कोई डिफिकल्ट नहीं है. कि आपने देखा आपने सुना होगा हमारे सक्सेस प्लान में टोटल 20 टाइटल्स हैं और सारे टाइटल्स हैज बीन अचीव्ड From someone, कोई रशिया में, कोई टर्की में, कोई इजिप्ट में, but सारे टाइटल्स हैज बीन अचीव्ड. अगर किसी ने भी वो टाइटल अचीव किया है, दैट मीन्स इट कैन बी डन. और जब वो कर सकते हैं तो वाई नॉट वी. यस, एवरीबडी कैन बिकम प्रेसिडेंट और सारे टाइटल्स हम अचीव कर सकते हैं. और आज How to become president? आपको बताएंगे मिस्टर झा. He's supposed to be my husband, and we say he's a guru of our network. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jha. Thank you. आजकल एक कस्टम है मॉल्स में और Oriflame के कैटलॉग में दो के साथ एक फ्री. तो आज मैं एक फ्री स्पीकर हूं. घटना 1967 की है. वी हैड ए फिजिक्स बुक बाय एबट जिसका नाम था फिजिक्स थ्योरीज एंड एप्लीकेशन. आई आस्क्ड माय टीचर, क्लास फिजिक्स टीचर, सर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल थ्योरी हो? कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन है? तो उन्होंने सर खुजलाया, कहा हां है. सर जो मिश्रा जी पढ़ाते हैं उसमें केवल थ्योरी है. तो उन्होंने पूछा, मिश्रा जी तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं. तो यस, हिस्ट्री में केवल थ्योरीज होता है. बोला, सर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो जहां केवल प्रैक्टिकल्स है? हाँ, जहां तुम्हारी बहन पढ़ने जाती है, कुकड़ी क्लास. तो लेडीज जेंटलमैन, टुडे आई विल नॉट टॉक अबाउट हिस्ट्री, आई विल नॉट टॉक अबाउट कुकड़ी, आई विल टॉक अबाउट सक्सेस, जहां थ्योरी भी है और जहां प्रैक्टिकल्स भी है, एप्लीकेशन भी है. द थ्योरेटिकल साइड एज अ गुरु बाय एज नॉट बाय क्वालिफिकेशन, I will cover the theoretical aspect of suspect of success and my beautiful wife, as usual, very practical. She applies all the knowledge that I give her. And she will speak about the applications that make you successful. Ab batao zor se, interested ya not interested? मैं एज से बहरा हो गया हूं, यस और नो? गुड. 29th May 1959 इज अ वेरी लैंडमार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, नॉट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अगेन ध्यान से याद कीजिएगा, 29th May 1953 इज अ लैंडमार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन, ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. Humanity millions of years इस world में आई है, पर एक लक्ष्य था जो कोई नहीं पा पाया था till 29th May 1953.
Thankfully, it was not my birthday. On 29th May 1953, Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay conquered the Mount Everest. ध्यान से सोचिए, उससे पहले कितने लोग यहां आ चुके हैं, कितने महान लोग आ चुके हैं, कितने बड़े बड़े वॉरियर आ चुके हैं. अशोका दी ग्रेट नहीं माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सके, चंद्रगुप्त मौर्य माउंट एवरेस्ट नहीं माउंट क्लाइम कर सके, अशोक अकबर दी ग्रेट नहीं कर पाए, महात्मा गांधी नहीं कर पाए, भगवान राम नहीं कर पाए, भगवान कृष्ण नहीं कर पाए, बट इन दोनों लोगों ने कर दिखाया. इट वॉज नियरली अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. यस और नो? जब सर एडमंड हिलरी वापस आए, दोज डेज देयर वॉज नो टीवी, नो रिपोर्टर गोइंग टू माउंट एवरेस्ट टू इंटरव्यू हिम. व्हेन ही केम बैक, ही वॉज इंटरव्यूड बाय द पीपल एंड asked him, "Sir, you did a great job. You conquered the Mount Everest." You know what he said? "It is not the mountains we conquer. We conquer ourselves." It is not the title president that you will achieve. It is the person president you shall become. On 19th April 1961, another landmark was created. My friends from Russia will agree with me. For the first time in the history of mankind, someone went into space, and the name of the person was Yuri Gagarin. And what was the reaction of the then Prime Minister of India? He said, "Man has conquered space, but he is yet to conquer himself." Ladies and gentlemen, the whole purpose of our being in this room, of our being on this earth, is to conquer ourselves and become what we want to become. That is the greatest challenge facing you and facing us. Yes. For the last 20 years, we joined Oriflame in the month of May 1997. We had only one Mount Everest to climb, the Oriflame success plan. The biggest mountain that we have faced in front of us is the Oriflame success plan. Yahan her title is a base camp. Her title, senior manager and above, is the base camp to go to the next level. As Kamini Ji has rightly said, प्रेसिडेंट बनने में कितने ही टाइटल, हाईएस्ट टाइटल डायमंड प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने कदम चाहिए? 20 कदम. कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, और काफी आप लोग वहां ऑलरेडी क्लाइंब कर चुके हो. द गुड न्यूज इज यहां शायद ही कोई है जो पहला कदम नहीं रखा है. ऑल ऑफ अस हैव क्लाइंब्ड 3, 4, 5, 6 स्टेप्स. कुछ ही तो स्टेप्स बाकी हैं. आई हैड अ फ्रेंड, अ हंटर फ्रेंड. वो बहुत शिकार करता था. कभी खरगोश मार के लाता था, तो कभी हिरन मार के लाता था, कभी बर्ड्स मार के लाता था. एक दिन मजाक मजाक में उसने कहा, पीएन, हाथी कैसे खाओगे? How will you eat an elephant? जात का ब्राह्मण, संस्कार हिंदुत्व, ऐसा नहीं हाथी कोई खा सकता है. Well, of course, if you can eat chicken, if you can eat mutton, if you can eat biryani, if you can eat rice, if you can eat paneer, you can eat an elephant also. ऐसा मजाक मत कर यार, बता कैसे खा सकते हैं. बहुत सिंपल जवाब, पीस बाय पीस. प्रेसिडेंट हम कैसे बनेंगे? पीस बाय पीस. यस, एवरी स्टेप ऑन द सक्सेस प्लान
is a base camp. It is a camp to recover energy. It is a camp to plan for the next level. Aaj aap yahan jo ho, director banke ho, ye aapka base camp hai, how to become a senior director. Aaj yahan aap ho, jo diamond banke ho, don't rest. The level diamond is a base camp, how to become a senior diamond. Those of you who are executives, don't rest. The level of executive is the base camp, how to become a gold executive, a sapphire executive, a president director. And mind you, there aren't many steps. Kitne step? 20. And we, as a proud couple, have climbed 16 already. चार बाकी हैं और अपने आप को चार साल दिया है जो ओरिफ्लेम दुनिया में जो भी टाइटल है वो हमारी मुट्ठी में होगा और आप चाहें तो आपकी मुट्ठी में होगा सक्सेस का पहला स्टेप क्या होता है नो कुछ मानो या ना मानो कुछ करो या ना करो बट एक चीज खुदा गवाह है मानना पड़ेगा सक्सेस का पहला कदम होता है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% इवन 99.9% में आप फेल हो जाओगे सक्सेस लाइक ऑनेस्टी इज लाइक प्रेगनेंसी सॉरी लेडीज यहां आप हैं यू कांट बी 99% प्रेग्नेंट Can you be? You can't be 50% pregnant. Can you be? You are either pregnant or you are not pregnant. So 100% responsibility means 100% responsibility. दायित्व लेना होगा. Success आपका है. Level आपका है. जिंदगी आपकी है. Future आपका है. हम बहाने बनाते हैं. Husband पसंद नहीं करेंगे. बच्चे हमारे बिखर जाएंगे मैडम जिंदगी आपकी है बच्चे आपके आपका घोंसला छोड़ के 10-15 साल में उड़ जाएंगे और आप यहां हाथ मसलते रह जाओगे और हस्बैंड उसी को प्यार करता है करता है ना यस 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं इवन एट 99% यू फेल आज से यहां कुछ आप सुन के जाओ या ना जाओ कुछ सीख के जाओ या ना जाओ बट सफलता उसी को मिलता है जो 100% दायित्व लेता है यहां कोई हाफ परसेंट कोई ग्रेस मार्क नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए सक्सेस बनने के लिए इट इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यस व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन ओनली 3 थिंग्स इन द वर्ल्ड तो ध्यान से सुनिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल आपकी मेड सर्वेंट क्या करती है आपकी वाइफ क्या करती है आपका हस्बैंड क्या करता है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 3 थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रज्ञा की भी है सरजय का भी है पुनीत का भी है अलेक्जेंडर का भी है मैग्नस का भी है मोदी जी का भी है आपका भी है हमारा है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 3 थिंग्स इन द वर्ल्ड फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव For what we do. You are responsible for holding hundreds of L1, L2 meetings every year. 100. You are responsible for meeting 3 people every day. You are responsible for training all your core team. You are responsible. So you are responsible for what you do. You are also responsible for what you don't do. आपने training नहीं की, who's responsible? You. आपने कचरा खाया और आपकी पेट खराब हो गई, who's responsible? You. Concept clear? You are responsible for first
for every action you take. You are responsible for all actions that you don't take. And third, you are responsible for how you respond to a situation. Bachcha ka school bus chhoot gaya. Bahut tarah ke response ho sakte hain. Chal, aaj ghar baith lete hain. Chal, aaj tumko taxi se pahuncha dete hain. Chal, aaj tumko ghar pe khud padha denge. This is your responses. Aapne ek meeting fix ki, last minute cancel ho gaya. How do you respond? Aaj afternoon show dekh lete hain. किसी सहेली से मिल लेते हैं, मन को तसल्ली देने के लिए दो चार कॉल कर लेते हैं, बट सही रिस्पॉन्स क्या होगा? आई विल क्रिएट एन ऑल्टरनेट मीटिंग. सो लेडीज जेंटलमैन, सक्सेस उन्हीं को मिलता है जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है व्हाट यू डू, व्हाट यू डोंट डू, एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. जोर से यार, और जोर से, और जोर से. आई मीन, यू नो, यू आर नॉट एनकरेजिंग मी, यू आर टेलिंग मी यू आर अवेक. थैंक यू. राइट. लोग कहते हैं हम क्या बदल सकते हैं. हमारी सांस बहुत डिफिकल्ट है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड बड़े हो गए, उनकी चाहत और तमन्ना बड़ी हो गई मेरे प्रति. लेडीज जेंटलमैन, यू कांट चेंज द वेदर, यू कांट चेंज द सर्कमस्टांसेस, यू कांट चेंज सरजे, यू कांट चेंज द नीड ऑफ KYC, यू कांट चेंज द नीड ऑफ OTP. So what the hell can you change? You can change yourself. और कुछ नहीं बदल सकते हो. सर पटक के रह जाओगे, कुछ नहीं बदलेगा. Only thing, the easiest thing, the best thing is to change yourself. लोग मुझे पूछते हैं every conference में, हजारों, not हजारों, मैनी पीपल आस्क मी, सर आपसे दो मिनट टाइम चाहिए. बोले क्यों? बता सकते हैं क्या सफलता का राज है? हाउ डिड यू बिकम प्रेसिडेंट? आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट. यू नो, आई कैनॉट शेयर विथ यू सफलता का राज. मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं विफलता की गारंटी. मैं क्या शेयर कर सकता हूं? विफलता की गारंटी, गारंटीड फेलियर. अब वो होता है जिनके पास एक क्वालिफिकेशन होता है BSc. हर BSc इज क्वालिफाइड टू बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम सक्सेस. बी जो सब कुछ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं. यदि मेरा डाउनलाइन काम करता तो इस महीने तो मैं तोप मार देती. यदि मेरी अपलाइन मुझसे साथ कोऑपरेट करती, मेरे 8-10 मीटिंग कर देती, तो इस महीने मेरा कट ऑफ तो पक्का था ही. जब से ओरिफ्लेम में चेंज आया है ने कैम का, तब से मेरा बिजनेस ठीक नहीं हो रहा है. ये होते हैं खिलाड़ी जिनका नाम है ब्लेमपति. क्या नाम है? ब्लेमपति. सब कुछ के लिए किसी ने किसी को ब्लेम कर देते हैं. दूसरा क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी है शेमपति. मेरा नाम पशुपति है वैसे. क्या है शेमपति? वो अपने आप को बहुत तुच्छ, बहुत छोटा समझते हैं. मैं तो आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो आपकी तरह स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो आपकी तरह फराटे से प्रेजेंटेशन नहीं कर सकती. दे ऑलवेज ऑलवेज बी लिटल देमसेल्स, दे अंडरस्टिमेट देमसेल्स, दे थिंक दे आर नोबडी एंड दे एंड अप बीइंग नोबडी. तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन है ऑन हाउ नॉट टू सक्सीड. थर्ड क्वालिफिकेशन है नॉट करोड़पति,
हेलो सी फॉर नॉट करोड़पति कंप्लेन पति, मास्टर हैं सब कुछ का, इनके पास कंप्लेन है राइट मैं मोटी हो गई हूं। अरे फैट फूड खाना बंद करो, वेलनेस खाओ, ठीक हो जाओगी। मैं आपकी तरह प्रेजेंटेशन नहीं कर सकती हूं। सीखो, ट्राई करो, नहीं हो तो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश या प्रेजेंटेशन स्किल की कोचिंग लो यार। जहां तुम करोड़ों कमाओगे वहां 200,000-400,000 रुपया खर्चा होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है, इन तीन पतियों को त्यागिए, ब्लेम पति, शेम पति एंड कंप्लेन पति, गारंटीड फेलियर। इस रोग से बचिए, वैक्सीनेट योर सेल्फ। मैं भी कुछ बनूं या ना बनूं, मैं बीएससी तो नहीं बनूंगी, यस ऑर नो राइट। एक और समस्या है, साइकोलॉजिकल समस्या है, मेरा समस्या था, मैं शेयर करता हूं। मुझे वर्ड रिजल्ट से बहुत डर लगता है, आपको भी लगता होगा ना। जब मैं क्लास से आता था तो पापा पूछते थे रिजल्ट निकला, दिन रात रिजल्ट निकला, टेस्ट का रिजल्ट निकला, टेस्ट में कैसा हुआ राइट। नेता लोग को भी बहुत परेशान करता है, चुनाव का रिजल्ट निकला राइट। रिजल्ट इज अ वर्ड, बहुत डरावना वर्ड है। जब मैं बड़ा हुआ, एक मैंने एनएलपी की क्लास की, किसी क्लास की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्लानिंग, और मेरा जिंदगी का परिप्रेक्ष्य बदल गया। वो रिजल्ट नहीं मानते हैं, वो रिजल्ट को फीडबैक कहते हैं, आउटकम कहते हैं। यदि हम जिंदगी को आउटकम के, अपने एफर्ट का आउटकम, ये रिजल्ट को आउटकम में समझें तो लाइफ काफी इजी हो जाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर इन लाइफ, हेलो, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर इन लाइफ, इट इज ऑल फीडबैक। आपका काम पर्याप्त नहीं था। जिंदगी कितनी सरल बन जाती है जब हम ये समझ लेते हैं कि मेरा काम पर्याप्त नहीं था इसलिए मुझे ये आउटकम मिला। सो जस्ट फॉरगेट इट, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिजल्ट। आज आप इस साल द डायमंड बन के नहीं आए तो एक ही फीडबैक आपको मिलना चाहिए, जो आपका एफर्ट उतना पर्याप्त नहीं था जो आपको डायमंड बना देगा। तो अगले साल जब आइएगा तो अपनी एफर्ट बदलिए ताकि आपका आउटकम बदलेगा और आपको फीडबैक मिलेगा जो हम आपको कॉमरेट करेंगे एज ए डायमंड डायरेक्टर इन गोवा। देयर इज नथिंग कॉल्ड रिजल्ट, देयर इज ओनली थिंग कॉल्ड आउटकम। और आउटकम डिपेंड करता है आपका एफर्ट क्या था, आपकी प्लानिंग क्या थी और आपने किस कमिटमेंट से काम किया है। यस, जब आउटकम की बात आती है तो यू मस्ट ट्रैक एवरीथिंग। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, यहां बहुत टॉप लीडर्स हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। पिछले 20 सिंस 2001 एवरी डे का मुझे अपने टॉप 30 लीडर्स का बीपी मेरे पास है, एवरी डे विदाउट फेल। मैं सोने नहीं जाता हूं जब तक मैं बीपी रोज नहीं लेता हूं, बिकॉज ये मुझे बताता है मेरा नेटवर्क किधर जा रहा है, मेरा कौन लेग कमजोर है, कौन लेग स्ट्रांग है, किसको मेरी जरूरत है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, वो सब कहां से, आउटकम कहां से दिखता है, ये दिखता है एक्टिविटी रिपोर्ट से। और कंपनी बहुत सिस्टमैटिक है, एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हम लोग बीपीएस करते हैं, हार्डली 2-3 मिनट में छुट्टी कर देते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट को। मैं घंटों पढ़ता हूं डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और एक महीने का नहीं, 6-6 महीने का।
मैं अपने टॉप लीडर्स को बता सकता हूं पिछले 6 महीने में तुमने कितने वेलनेस सेट बेचे हो। मैं अपने टॉप लीडर्स को बता सकता हूं तुमने पिछले 1 साल में कितने स्किन केयर सेट बेचे हो। मैं अपने टॉप लीडर्स को बता सकता हूं पिछले 2 साल में तुमने 0 पर्सनल रिक्रूट किया है। दिस इज द टाइप ऑफ फीडबैक। देयर इज नथिंग कॉल्ड रिजल्ट, इट इज ऑल फीडबैक। और कंपनी जब हमें इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट देता है, एक्टिविटी रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसको हर दम यूज कीजिए। यूज इट एज अ इंस्ट्रूमेंट टू चेंज योर सेल्फ, टू चेंज योर टीम, टू चेंज योर नेटवर्क, एंड यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। यस, व्हाट इज सक्सेस? यू नो, कल आपने इंडिया टॉप 15 देखा। कितने लोगों ने कल का टॉप इंडिया 15 देखा? राइट, और लोगों ने नहीं देखा, पिक्चर देखने गए थे। कितने लोगों ने इंडिया टॉप 15 देखा? जरा ऑनेस्टली हाथ उठाओ, यार टायर्ड हो गए हो, डज नॉट मैटर, गुड, झूठ मत बोलना। एक हाथ दिल पे रख के बताओ, कितने के मन में उस घड़ी, उस क्षण एक इच्छा जगी थी यहां आते? ऑफ कोर्स यही होता है। आज रात भव्य स्वयंवर होगा। राइट, जहां सितारे स्टेज पे आएंगे उनका अकोमोडेशन होगा। आपके आंखों में हो सकता है कुछ नमी आ जाए, गला सांस रुक जाए, काश मैं भी वहां होती कामनी जी की तरह। ये सक्सेस का एक दिन का नाटक है। 365 दिन में एक दिन का नाटक है, बट वो नाटक उतना ही आनंद देता है जो 9 महीने के लेबर के बाद जब गोद में राजगोपाल आता है। थिंक अबाउट इट। किसी ने सच कहा है, सक्सेस इज नथिंग बट सस्टेन्ड हार्ड वर्क। 364 दिन हार्ड वर्क करोगे तो एक दिन ये स्टेज मिलेगा। सक्सेस इज नथिंग, इट इज वेरी बोरिंग। वही लोगों को बोलना, बक 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 बक, ओरिफ्लेम गेट अपॉर्चुनिटी, लुक लुक ग्रेट, हैव मेक फन, हैव मनी, यही तो कहना है। सक्सेस इज वेरी बोरिंग, लोगों को वही प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सक्सेस इज वेरी बोरिंग, रोज एक्टिविटी रिपोर्ट देखना। सक्सेस इज वेरी बोरिंग, आज 8 आउट ऑफ स्टॉक तो कल 8 आउट ऑफ स्टॉक। सक्सेस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, जो 10 तारीख से आपको ब्रॉन्जिंग पर्ल्स नहीं मिल रहा है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मे लुक वेरी सेक्सी टुनाइट ऑन द स्टेज व्हेन यू कम हियर, बट फॉर 364 डेज सक्सेस इज नॉट सेक्सी। यस और नो? वो पसीना में गर्मी की चिलचिलाती धूप में किसी से मिलने जाना, ये एफर्ट लगता है, ये माजरा है। सक्सेस इज हार्ड वर्क, बोरिंग, नॉट सेक्सी, मंडेन, वही काम रोज रोज रोज, वही चेहरा, वही आंसर सोच के बताएंगे, वही आंसर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, वही आंसर मेरी मासी करती थी कुछ नहीं हुआ, बट आज रात जब स्वयंवर में आओगे ये सब भूल जाओगे। यस और नो? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। यू नो, सक्सेस एंड फेलियर जुड़वे भाई हैं, ट्विन ब्रदर्स। देखो, बगल से देखो, स्टेज पे देखो, स्क्रीन पे देखो, सक्सेस एंड फेलियर एक ही पहलू के दो रूप हैं, बट इसमें दो वर्ड हैं जो कॉमन हैं। ध्यान से देखिए, यू, तुम,
एंड ई मीन्स पॉजिटिव एनर्जी. जो सक्सेसफुल होते हैं उनका यू फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, उनमें पॉजिटिव एनर्जी टन्स एंड टन्स का भरा रहता है. और जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, यही दो चीज की कमी रहती है, उनका यू फैक्टर बहुत वीक रहता है, वो खड़ा होके भी झुक जाते हैं, उनमें एनर्जी नाम की चीज कुछ है ही नहीं. सक्सेस पाने के लिए दो ही चीज को आपको जगाना है अपने आप में, आपको एक स्ट्रांग पर्सन बनना है, एक स्ट्रांग कैरेक्टर बनना है, तभी आपको सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी. आप में 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लाइम द लैडर्स ऑफ सक्सेस. द यू फैक्टर, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, हेलो, इफ यू आर कंफ्यूज्ड योर नेटवर्क विल बी कंफ्यूज्ड. इफ यू आर स्लॉपी, कुछ काम आधा किया आधा छोड़ा, आपके टीम मेंबर्स विल बी स्लॉपी. इफ यू आर ग्रीडी, आपके नेटवर्क में सब साले चोर होंगे. यू डिफाइन व्हाट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस यू हैव. इट इज यू हु डिसाइड्स वेदर यू विल बी प्रेसिडेंट और यू विल बी अ डायरेक्टर फॉर लाइफ. And for the next 30 years, you will attend all the director conferences on ek LC ka ticket. Because you have decided not to add value to yourself. Ab main aapko ek choti si kahani batata hun. Interested or not interested? Yes. Kamini ji ko mic de dun ya chalu rakhun? Suna nahi? Suna nahi? Right. New York mein ek bahut famous hotel hai, Astoria. वहां एवरी संडे ऑक्शन होती है पुराने नवाबों, पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके बुरे दिन आ गए हैं, उनके मैंशन का, उनका फर्नीचर का. हर शहर में होता होगा, बैंगलोर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है. जब लोग के बुरे दिन आते हैं तो उनका घर नीलाम होता है. यस और नो? गुड न्यूज, ओरिफ्लेम में नहीं होता है. राइट. इसी तरह की एक नीलामी थी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का. आस्ते आस्ते सब कुछ बिक गया. $30,000 में सोफा, $20,000 में बेड, उनके कपड़े लत्ते सब कुछ, यू नो, एक $2,00,000 में ऑक्शन हो गया. एंड में बचा रहा एक पुराना एंटीक वायलिन जो डस्ट से भरा हुआ था. तो ऑक्शनियर ने लिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, we have a very antique violin over here. Anyone interested in buying this for $1,000? Kisi ne haath nahi uthaya. Okay, we'll reduce the price, $500. Kisi ne haath nahi uthaya. Astounding. Okay, a special offer, $100. No hands up. Very special offer, $50. फिर भी हाथ नहीं उठा. $10. You should take it. Bargain. $10. नवनीत, फिर भी हाथ नहीं उठा. Okay, last price, $1. Then one gentleman like me, he said, wait. He went, picked up the violin, cleared the dust, strengthened the cords, put it under his chin, and for the next 20 minutes, he played Beethoven's D sonata on the violin. Sab koi mantra mugdh ho gaye. Then the auctioneer said, anyone for $10? Hall se awaaz aayi, 100. Okay, he wants it for 100. Hall se awaaz aayi, 500. Okay, she wants it for 500.
हॉल से आवाज आई $5,000. लेडीज एंड जेंटलमैन, वायलिन वही था जो $1 में नहीं बिक रहा था. आपके डाउनलाइन जब ज्वाइन करते हैं तो वो भी $1 के मेंबर होते हैं. आप उनको करोड़पति बना सकते हो. यस नो? द जर्नी टू कंसल्टेंट टू प्रेसिडेंट एक ही चीज पे डिपेंड करता है, हाउ मच वैल्यू यू हैव एडेड टू योर सेल्फ. वैल्यू को हिंदी में बहुत सही वर्ड है सुनील, उसको हम बताते हैं आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है. अपने आप से पूछिए, क्या आपकी हैसियत आज एक प्रेसिडेंट डायरेक्टर की है? क्या आपकी औकात एक डायमंड डायरेक्टर की है? यदि आपकी औकात और आपकी हैसियत आपको बताती है कि आप डायमंड डायरेक्टर के लिए लायक हैं, तो कोई भी आपको डायमंड डायरेक्टर बनने से कभी भी नहीं रोक सकता है. सो अपनी औकात बढ़ाइए, अपनी हैसियत बढ़ाइए, अपना वैल्यू बढ़ाइए और सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी. द रेस इज नॉट टू बिकम द प्रेसिडेंट डायरेक्टर, द रेस इज टू हैव द हैसियत एंड औकात ऑफ अ प्रेसिडेंट डायरेक्टर. वेयर यू वर बॉर्न, it does not matter. I have come from a very small village in North Bihar in the district of Darbhanga. Born and brought up in a very small town called Patna. Aur Bihar aur Delhi mein to log mazak karte the, tum Bihari hai. Bombay mein bhi karte hain, bhaiya bolte hain. So it just doesn't matter from where you were born. You are not responsible for that. But what you are responsible, where you will end. It does not matter that we were born in Patna or born in Darbhanga, born in Bihar. It does not matter that it took us 20 years to become successful. But today I am here not because I was born in Darbhanga. I am here not because I was educated in Patna. I am here how much value I have added to myself. Yes or no? इन तीन तस्वीरों को देखिए. They were not born rich. तीनों के फादर never saw high school. For that matter, other than Abraham Lincoln, no one went to high school or college. Yes or no? But today, one is the Prime Minister of India. Another was the most successful president of America. And another became the richest man in the world at one time. Yes or no? So it does not matter jo aap Sholapur mein join kiye the. It does not matter aap Kolhapur mein join kiye the. It does not matter aap Bhiwandi mein join kiye the. It does not matter aap Chennai se aayi ho. Only thing it matters aapki aukaat kya hai. Concept clear? Yes. Your level reflects you. When you are a director, aapki haisiyat, aapka aukaat, aapka value is of a director. When you are a diamond, your value, your haisiyat is of a diamond. To hum kya badal sakte hain? Zara gaur se dekhiye. इस स्टैच्यू को जरा समझिए, बारीकी से देखिए. यह व्यक्ति अपने आप को बदल रहा है. इन दिस स्टैच्यू द पर्सन इज री इन्वेंटिंग हरसेल्फ. मैंने पढ़ा था कि एक योगी महात्मा ने कहा था, द लाइफ इज द जर्नी टू डिस्कवर योर सेल्फ. रॉन्ग. ये विवेकानंद का है, लाइफ इज द जर्नी टू डिस्कवर योर सेल्फ. पशुपति आनंद का है, मेरी कथा है, लाइफ इज अ जर्नी टू क्रिएट योरसेल्फ. लाइफ इज नॉट अ जर्नी टू डिस्कवर योरसेल्फ.
आपकी दायरा को छोटा करता है व्हेन यू लुक फॉर योरसेल्फ. लाइफ इज अ जर्नी टू क्रिएट योरसेल्फ. यू कैन बिकम एनीथिंग इन द वर्ल्ड यू वांट. यस, आप जीरो से हीरो बन सकते हो और ओरिफ्लेम में आप सब जीरो से हीरो बन चुके हो. जिस दिन आपने ज्वाइन किया था आपकी लेवल 0% थी, यस और नो, और आज आप डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो और यहां प्रेसिडेंट हैं. लाइफ इज अ जर्नी जहां हर कोई, वेर एवर यू, इरेस्पेक्टिव आपका जन्म कहां हुआ, बाय एडिंग वैल्यू आप हर कोई हीरो बन सकते हो. एक जमाने में हिंदी फिल्म में एक हीरो हुआ करते थे जिनका नाम था सिल्वर जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार. यू नो हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर? ही वॉज एन एक्स्ट्रा इन द फिल्म. तो एक एक्स्ट्रा इन द फिल्म बिकम सिल्वर जुबली कुमार. अ गर्ल बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन इन पटना बिकम्स डायमंड डायरेक्टर इन अ मल्टी नेशनल स्वीडिश कंपनी कवरिंग 60 कंट्रीज. ये कर सकते हैं तो मैडम आप लोग तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो. सो गिव योर सेल्फ अ वॉर्म 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 राउंड ऑफ अट्रैक्ट. एंड हाउ डू यू एड वैल्यू? यू एड वैल्यू चार ही चीजों में. ए, नॉलेज. हमारे बिजनेस में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए. प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, पीपल्स नॉलेज, एलसी नॉलेज, सब नॉलेज कंप्लीट. जब कोई मेंबर या कोई कस्टमर कुछ पूछे तो ये मत बताना जो मैं चेक करके बताती हूं. शेम, धिक्कार है, तिरस्कार है. नॉलेज शुड बी 100% कंप्लीट. नेक्स्ट इज एटीट्यूड. हेनरी फोर्ड ने कहा था माय एटीट्यूड डिटरमिन्स माय ऑल्टीट्यूड. मैं किस ऊंचाई पे पहुंचूंगा वो डिपेंड करता है मेरी क्या एटीट्यूड है. और एटीट्यूड, यू नो, हमारे बिजनेस में दो ही चाहिए. हेलो, जगे हो कि सोए हो. के एटीट्यूड दो ही चीज चाहिए सुनील भाई. पहला एटीट्यूड, आई कैन डू एवरीथिंग. ओरिफ्लेम के सिस्टम में एक सज्जन है जिनका नाम है गोविंद. है या नहीं है? ही इज एक्सपर्ट इन आईटी, यस और नो? बट यू नो व्हाट इज हिज बेसिक क्वालिफिकेशन? बीए आर्ट. एंड टुडे ही हैंडल्स 100% ऑफ आईटी नीड्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी विच कुड हैव यू नो एम्प्लॉयड द कॉस्टलियस्ट मैन इन द वर्ल्ड. बट गोविंद जी हैज टॉट अस द लेसन दैट यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एटीट्यूड में दो ही गुण चाहिए. आई कैन डू नवनीत एनीथिंग एवरीथिंग. आई कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग. द वर्ल्ड इज योर्स. आपको शायद मालूम नहीं होगा, एज ए स्टूडेंट आई यूज टू स्टैमर. मैं हकलाता था. इन क्लास 9 और 10 आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, द मोस्ट यू नो एक्सक्लूसिव स्कूल, गर्ल्स स्कूल इन पटना. सब लड़के तरसते थे यहां जाके प्रेजेंट करेंगे. मैं जाके कैप्टन को बोला भैया मुझे निकाल दो टीम से, मैं हकलाता हूं. बट देन आई लर्न्ड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड आई स्पीक वेल. यस और नो? यस. एटीट्यूड शुड बी यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग. स्किल, जिसको हम बोलते हैं हुनर, जब थ्योरी और एप्लीकेशन का संगम होता है तो क्या बच्चा पैदा होता है? स्किल. स्किल इज अप्लाइड नॉलेज. और जब स्किल को हम रोज 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 रोजी की तरह मिलते हैं, रोज उसको हम अप्लाई करते हैं, तो वो बन जाता है हैबिट. जरा गौर से देखिए स्पेलिंग ऑफ हैबिट. सबसे छोटा सामान क्या होता है? बिट. गिव मी अ बिट ऑफ राइस, गिव मी अ बिट ऑफ मिल्क, गिव मी अ बिट ऑफ पेपर. बट जब वही बिट हम रोज 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 करते हैं तो बन जाता है हैबिट. वाराणसी में एक स्लोगन था, हर हर मोदी घर घर मोदी. हमारा स्लोगन है हर हर बिट बना दे हैबिट. राइट? यस.
पूछेंगे सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, बहुत छोटा सा है, कोई सीक्रेट नहीं है, आप सबको मालूम है। फर्स्ट इज हैव अ ग्रैंड विजन, आप कहां जाना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। सेकंड इज फॉलो द प्रोसेस जो आपको उस ग्रैंड विजन तक ले जाएगा। यदि कोई भी काम आप कर रहे हो वो आपकी विजन से दूर ले जा रहा है तो टर्न एंड रन टुवर्ड द विजन। बहुत लोग बिखर जाते हैं, यू नो दे गेट लॉस्ट बिकॉज उनका जो प्रोसेस है वो विजन के तरफ नहीं है, विजन के एंटी है। थर्ड इज हैव अ सिस्टम एंड कल्चर। यस कामिनी झा एंड पीएन झा, जिस दिन से हमने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया मैंने पहले ही कहा है हमारा एक ही ग्रैंड विजन रहा है $1 million कैश अवार्ड। The highest title in the known Oriflame world is our grand vision. And आपका भी vision, Oriflame का हर consultant का एक ही vision होना चाहिए, Diamond President। आप यहां बन के आए हो director, gold director, वो एक base camp है। कहां आने के लिए? Diamond President के लिए। इस room से एक ही vision लेके जाना, आज या ना कल, कल ना परसों, एक दिन मैं भी कामिनी जी के तरह स्टेज पे आऊंगी, प्रेसिडेंट बन के आऊंगी। मैं भी एक दिन स्टेज पे आऊंगी तमिला के तरह डायमंड प्रेसिडेंट बन के आऊंगी। तो ऑरिफ्लेम में इसके अलावा और तो कोई विजन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। प्रोसेस बहुत ये भी सिंपल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट कल्चर होना चाहिए। ऑरिफ्लेम जिस तरह के कैटलॉग आजकल ला रहा है, Oriflame जिस तरह के सेट्स ला रहा है, Oriflame जिस तरह के हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ला रहा है, परफ्यूम ला रहा है, वेलनेस सेट्स ला रहा है, विदाउट प्रोडक्ट कल्चर खो जाओगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, Oriflame नहीं बदलेगा, किसको बदलना होगा? आपको बदलना होगा। प्रेसिडेंट सर्जेई नहीं बनेंगे, मैग्नस तो कभी भी नहीं बन सकते हैं, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? आप बनोगे। सक्सेस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी है। प्रोडक्ट कल्चर कौन लाएगा? आप लाओगे। सेकेंड फिक्स मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, हमने यही किया है पिछले 17 साल से। वीक में 4 दिन जैसे हो, टैक्सी से हो, गाड़ी से हो, मिनी से हो, जैसे हो, हम ऑफिस पहुंचते थे, पहुंचते हैं और हमारी फिक्स ट्रेनिंग रहती है। 17 साल हो गए हैं, कोई भी ऐसा वीक नहीं है जिस दिन हमारा ऑफिस में ट्रेनिंग नहीं होता है। और लास्ट लीडरशिप डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा महीना है नहीं है जब हमारे ग्रुप में नया मैनेजर, साल में कई डायरेक्टर्स एंड गोल्ड डायरेक्टर्स निकलते हैं। अच्छा, मैं सिस्टम और कल्चर की बात करूं, ये शायद लास्ट स्लाइड है। यस, हमारे पास एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है। हेलो, मार्केट को कैप्चर करने के लिए हमने एक बहुत पावरफुल बॉम्ब बनाया है जो हिंदुस्तान का हर घर कैप्चर करेगा। हर हर मोदी, घर घर ऑरिफ्लेम, राइट? उसका नाम है डायमंड क्लब, राइट? डायमंड क्लब 3 कॉर्नरस्टोन पे चलता है। प्राइड ऑफ अचीवमेंट, वी आर वेरी प्राउड। यहां हमारे बैच पे लिखा रहता है एशिया नंबर 1, और अगले साल जब मिलेंगे तो यहां लिखा रहेगा ग्लोबल लीडर। वी आर वेरी प्राउड, द होल डायमंड क्लब एक ही इथॉस देते हैं, वी आर सेकेंड टू नन, हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो रशिया हो, डायमंड क्लब इज द बेस्ट। वी हैव ग्रेट प्राइड ऑफ आर अचीवमेंट, वी हैव ग्रेट प्राइड ऑफ आर मेंबरशिप। हम हर लल्लू पंजू को नहीं लेते हैं, हम चुन चुन के दाना लाते हैं और उन्हें हम डायमंड बनाते हैं। और हमारा मोटो है वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। इसी मोटिव से हम चलते हैं, हमारा डायमंड क्लब का ईथॉस है। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू फॉर 1 मिनट। हमारा दो ही ईथॉस है, बहुत स्ट्रॉन्ग इथॉस है, बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। वी आर वेरी प्राउड पीपल। हर डायमंड क्लब का सेना
हर डायमंड क्लब का जवान मेंबर इज वेरी प्राउड ऑफ द डायमंड क्लब. वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी प्राउड. हम किसी से कम नहीं हैं. हम दुनिया को दिखा देंगे जो हमारे पीछे आप अचलिए. और सेकेंडली, हम नाम का माना जानते हैं काम करके. कल हम हो ना हो, हमारा नाम रहेगा. थैंक यू. सो डू यू वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट? यस एंड नो. यस एंड नो. यस एंड नो. ओके. सो नाउ yes, Mr. Shah was very right. To become diamond, you have to be like a diamond. To become president, you have to be like a president. To become diamond president, you have to be like a diamond president. Ye zero se hero hum tabhi ban sakte hain jab aapko apne liye grand vision, jab aapko apne liye ग्रैंड ड्रीम हो, तभी ये चेंजेस पॉसिबल है. अ ड्रीम वो नहीं होता है जब आपको कोई पूछा क्या बनोगे प्रेसिडेंट. नहीं, ड्रीम वो होता है जब हम भगवान के सामने बैठ करके कम्युनिकेट करते हैं अपने ड्रीम्स को. अकेले में जब कोई सुनने वाला नहीं होता है, सिर्फ आप और भगवान होते हैं. याद करिए, जब भगवान के पास हम बैठते हैं तो सिर्फ राम राम नहीं करते हैं, वी कम्युनिकेट आवर ड्रीम्स. भगवान मेरे बच्चों को अच्छा कर दो, भगवान मेरे हस्बैंड को अच्छा कर दो, भगवान हमें घर दिला दो. क्या क्या शेयर करते हैं भगवान से? वी शेयर आवर ड्रीम. और वही ड्रीम होता है जो हम भगवान से कम्युनिकेट करते हैं. अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी भगवान के सामने अकेले में बोला है आई वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट? दैट इज योर ड्रीम. आपके रोम रोम से निकलना चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट, आई वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट, आई वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट. देन इट इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल. दैट इज कॉल्ड अ ग्रैंड ड्रीम. Oriflame is our religion. Oriflame hamara dharm hai. How can I change? Dream isliye pura nahi hota hai kyunki aapke paas hamesha options hota hai. Options ko hata dijiye. Otherwise you can't become president. ये मत सोचिए कि कामनी शाह बन गई तो हम भी बन जाएंगे. उतना आसान भी नहीं है प्रेसिडेंट बनना. मैं यहां खड़ा होकर आपको बता रही हूं, बट आसान भी है बनना अगर आपके ड्रीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. और उसका सबसे बड़ा बैरियर है आपके पास ऑप्शंस. ऑप्शंस को हटा दीजिए, यू कैन बिकम डायमंड प्रेसिडेंट. ऑप्शंस ओरिफ्लेम नहीं चलता है यार. इतनी मेहनत करती हूं फिर भी पैसे कहाँ आते हैं. चलो ना एक अच्छा सा बुटीक खोल लेते हैं, चलो एक पार्लर खोल लेते हैं, या फिर अदर ब्रांड ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वहां पे कुछ बोनसेस ज्यादा मिलते हैं. चलो ज्वाइन कर लेते हैं मोदी केयर, चलो ज्वाइन कर लेते हैं एमए क्योंकि वहां पे बोनसेस ज्यादा मिलते हैं. कैन यू चेंज रिलीजन? क्या हम धर्म चेंज कर सकते हैं? एंड ओरिफ्लेम इज आवर रिलीजन. मेरे रोम रोम में ओरिफ्लेम बसा हुआ है. रोम रोम में ओरिफ्लेम बसा हुआ है. मेरे भी बिजनेस गिरे थे, बट क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं था बुटीक खोलने का? मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे दूसरे नेटवर्क ज्वाइन करने का? मेरे पास ऑप्शन नहीं था मिस्टर झा के पास कोई अदर जॉब में जाने का? बट नहीं, मेरे ड्रीम बहुत ही स्ट्रांग था. जब आपके ड्रीम स्ट्रांग होते हैं, डजंट मैटर यू बॉर्न वेयर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, डजंट मैटर. योर ड्रीम हैज टू बी स्ट्रांग. पोर्स रोम्स रोम्स में भरे होने चाहिए. और मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती हूं, कल आप सबने
कल आप सब ने ये फोटो देखा था और मैं फिर आपको दिखाना चाहती हूं. दिस इज माई ट्रूथ. दिस इज कामिनी झा. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहां लड़कियां पैदा होती हैं और उन्हें सिर्फ एक ही गुंज गुंजता रहता है, शादी 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 शादी. बट मेरे पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम था टू बिकम बिग, टू बिकम ग्रैंड लाइफ स्टाइल. बचपन से आई वॉज डिफरेंट चाइल्ड. फिर हमें जब यहां प्रेसिडेंट बनना था तो व्हाट आई डिड, आई चेंज माई सेल्फ. दिस इज नॉट कामिनी झा. ये जो आज आप देख रहे हैं ये कामिनी झा नहीं है. कामिनी झा वो थी. बट व्हाई आई हैव चेंज्ड टू बिकम प्रेसिडेंट, टू बिकम डायमंड प्रेसिडेंट. तो जब आप बनना चाहते हैं तो अपने आप को चेंज करिए. आसान नहीं था मेरे लिए ये जर्नी, मैं आपको आज बताना चाहती हूं. मेरे लिए ये स्टेज पर बोलना, इट वॉज सो डिफिकल्ट, इट वॉज सो डिफिकल्ट. आई वॉज वेरी शाई. प्रॉस्पेक्टिंग करना ये सब मेरे लिए नहीं था. जिस दिन प्रॉस्पेक्टिंग का बात आई ओरिफ्लेम में, मुझे लगा हा हो ओ गॉड, कैसे करूंगी ये सब, लोगों से अननोन से जाके बातें करूंगी, उनको मैं ओरिफ्लेम में इन्वाइट करूंगी. बट आई डिड एवरीथिंग because my dream was strong. My dream was strong. I was not the most talented and gifted person in my field, but I chose to believe everything is possible. Everything is possible. So I practiced a lot. घंटों मिरर के सामने खड़े होके मैं प्रैक्टिस किया करती थी. And आज मैं अच्छा प्रेजेंटेशन करती हूँ. I'm a good speaker. But actually, I'm not a good speaker. I practiced a lot. And why? Because my dream was strong. आप बताइए प्रेसिडेंट, ये नहीं, ये कामिनी झा कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी. Now tell me, this कामिनी झा can become president? Never, never. ये मैं जानती थी. So I changed myself. और ये तभी पॉसिबल हुआ because my dream was very, very strong. अगर आज आप पूछें कि मेरे सक्सेस का राज क्या है, मिस्टर झा ने बहुत कुछ बताया. मैं बट फील्ड में मैं काम करती हूँ. आई एम श्योर आप जानना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ. मेरे सक्सेस का राज एक ही है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी. यू नो ये वर्ड एक ऐसा है मुझे हिला देता है. आई डोंट नो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है व्हेन आई यूज दिस वर्ड कंसिस्टेंसी. इट्स अ मिलियन डॉलर वर्ड. इसे अपने डिक्शनरी में डाल दीजिए, कंसिस्टेंसी. यू नो सक्सेस इज अ जर्नी. सक्सेस इज अ जर्नी. चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है. डोंट स्टॉप योर सेल्फ. जिस दिन अगर आप रुक गए, यू आर फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड. चलते रहना, चलते रहना. दैट इज द सीक्रेट ऑफ माई प्रेसिडेंट लेवल. दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. हमेशा हर दिन, हर दिन आपको निकलना है, हर दिन आपको जाना है. यू नो जब हम सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में आपको कुछ रुकावटें, हर्डल्स मिल सकता है. रास्ते में आपको कुछ सक्सेस भी मिल सकता है. बट रास्ते में आपको सक्सेस अगर थोड़ा सा मिल जाता है, यू बिकम सो एक्साइटेड. अरे यार डायमंड बन गए, अब काम करने की क्या जरूरत है. वो होंडा सिटी क्या मिल गया, बस वो सालों साल वो होंडा सिटी को लेकर के सेलिब्रेट किए जा रहे हैं. बट नो, सेलिब्रेशन शुड बी ओनली टू डेज. हर टाइटल्स, हर सक्सेस मिलने के बाद दो दिन का सेलिब्रेशन होना चाहिए. एंड आई डू दैट, एंड आई डू दैट. यू नो व्हेन आई कंप्लीटेड माय डबल डायमंड, जिस रात को मैंने क्लोज किया था, मैं जानती थी कि आज मेरा क्लोजिंग हो जाएगा. उसके नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माई फील्ड वर्क. 1 तारीख को थॉमस का फोन आया था.
मिस्टर झा के पास कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. ही आस्क्ड वेयर इज कामिनी. ही सेड शी इज इन द फील्ड. बट मैंने कौन सी टाइटल क्लोज की थी एक दिन पहले? डबल डायमंड. डजंट मैटर. योर गोल इज नॉट अ डायमंड. योर गोल इज नॉट अ डबल डायमंड. योर गोल इज द एंड. डायमंड प्रेसिडेंट हमें बनना है. तो थोड़े छोटे मोटे अगर सक्सेस मिल भी जाते हैं तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ. टू डेज ओनली सेलिब्रेशन. रास्ते में रुकावटें भी आपको मिलेगी, उसके लिए भी ज्यादा दिन तक रोइए मत. दो दिन रो लीजिए. स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट रनिंग. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी. दैट इज वॉटर, पानी. मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा था. आई लाइक टू शेयर विथ यू. पानी को देखिएगा, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, फ्लो रहता है पानी में. जो जिस पानी में फ्लो होता है उसी पानी से हम नहाते हैं. जिस पानी में फ्लो होता है उसी पानी को हम पीते हैं. जिस पानी में फ्लो होता है उसी पानी से हम पूजा करते हैं. बट पानी को भी आप देखिएगा, उसे नदी में बहुत सारे रुकावटें मिलते हैं. कहीं माउंटेन मिल जाता है, कहीं कोई टापू मिलता है, बट पानी ठीक अपना रास्ता बना के निकल जाता है. बट कुछ पानी होता है जो रुक जाता है. और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रुकने वाले पानी की क्या हाल हो जाती है. जो पानी रुक जाता है उस पानी में आपको बैक्टीरिया हो जाता है. और ऐसे ऐसा वो पानी बिसैला हो जाता है कि उसमें कोई जीव जंतु होता भी है तो मर जाता है. पानी तो वही है, हमारी जिंदगी भी वही है. सक्सेस जर्नी इज लाइक सेम. रुक गए, मर गए, खत्म हो गए. चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए. फ्लो आपके जर्नी में बहुत जरूरी है. ये देखिए बहते हुए पानी का. अपने जिंदगी सक्सेस के जर्नी में हमेशा फ्लो लाइए, फ्लो लाइए. अपने आप आपको टाइटल्स मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो करते हैं हम रोज करते रहेंगे. और वहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट क्या होता है. यस, आई जॉइंड इन 1997. 99 में मैं डायरेक्टर बन गई. और फिर 2000, हाँ यस, एंड ईयर 2000 में आई अचीव्ड 4 टाइटल्स इन 1 ईयर. गोल्ड, सीनियर गोल्ड, सफायर एंड डायमंड. और बताओ अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है इसका. इतने ऑनलाइंस आ गए, इतने लीडर्स आ गए, बट इंडिया में अभी तक किसी ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है. 1 साल में 4 टाइटल्स. और मैंने ये टाइटल्स या 2000 में एक साथ लिया था. लेकिन क्या हुआ, क्या मैं रुक जाती उसके बाद? नहीं, हमें रुकना नहीं था. सक्सेस जर्नी का क्या रूल है? यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग. मैं फिर काम करना शुरू की. लेकिन मेरा बिजनेस 2003 में ड्रॉप्ड हो गया, गिरा मेरा बिजनेस. लेकिन सक्सेस जर्नी में कहीं हम गिरते भी हैं, कहीं हम उठते भी हैं. बट हमने अपना प्रैक्टिस सेम रखा. हम रोज निकलते थे, रोज काम करते थे. लेकिन मैंने पहले ही बोला था, सक्सेस इज अगेन ओरिफ्लेम इज आर रिलीजन. नेवर थिंक, ऑप्शन मत दीजिए अपने आप को. मैंने अपने आप को, जब बिजनेस मेरा गिरा, यू नो 2003 में हमारे मंथली अर्निंग 1,40,000-50,000 हुआ करता था. और वह गिरने के बाद हमारा इनकम 40,000 पे आ गया था. मेरे बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे थे, हस्बैंड नौकरी छोड़ चुके थे कि ओरिफ्लेम को बहुत सीरियसली करना है. मेरे पास भी ऑप्शन था वापस जाने का, बट वॉट वी डिसाइडेड, रन. Keep on doing, keep on doing, keep on doing. Because dream was very strong. Oriflame ka last level hame achieve karna hai. And yes, main agar main apne sare meetings ko chalu rakhi, activity ko chalu rakhi, 2005, mujhe 2 saal hi lage. Pure gure huye business, 7 lines se mera business, 1 line pe hi aa gaya tha. Aur wo 1 line, कॉन्ग्रेचुलेशन मिताली दी, सिर्फ मिताली दी ही रह गई थी. बाकी 6 लाइंस मेरे गिर गए थे. लेकिन मैं काम कर रही थी. डजंट मैटर, यू हैज टू बी स्ट्रांग. मेरा यू बहुत स्ट्रांग था. 2005 में
मैंने रीक्वालीफाई कर लिया डायमंड डायरेक्टर. उसके बाद देखिए क्या कमाल की चीज़ हो गई. हर साल मोरलेस हमने अचीवमेंट लिया है. 2006 में आई अचीव्ड डबल डायमंड, देन 2007 में आई अचीव्ड एग्जीक्यूटिव, 2009 में आई बिकेम गोल्ड एग्जीक्यूटिव, 2010 में आई बिकेम सफायर एग्जीक्यूटिव, 2011 में आई बिकेम ग्लोबल टॉप 15, 2012 में आई बिकेम एशिया नंबर वन, 2013 में आई बिकेम डायमंड एग्जीक्यूटिव, 2015 में आई बिकेम प्रेसिडेंट, और 2015 में ही मैंने वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड तमिला अवार्ड भी हमने जीता. एंड यस 2017 में हमने अपना सीनियर प्रेसिडेंट भी ओपन कर लिया है. और उसका एक ही कारण है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी. ये देखिए इस महीने डायरेक्टर सेमिनार था और चांस की बात है कि मेरी बेटी भी बैंगलोर में ही रहती है. मैं दो दिन पहले ही यहाँ पे आ गई थी क्योंकि ऐसे तो आना होता नहीं है, तो सी सेठ की मम्मी दो दिन पहले आ जाओ, हमने कहा ठीक है. और हमने 20 तारीख को ही बैंगलोर आ गए थे, तो कलकत्ता में हम कब तक थे, 19th. 19 को एक दिन मैंने अपने कैलेंडर में फ्री रखा था, फटू शम शॉपिंग शॉपिंग लास्ट मिनट कुछ रह जाता है. 18 तारीख तक हमने काम किया और 18 तारीख तक हमारे 16 मीटिंग्स हो चुके, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग. आई डिड 16 मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग इन दिस मंथ. दो मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स मेरे बाकी हैं, एक है 27th को और एक है 28th को. और ये हर महीने हमारे होते हैं, जब तक मैं हॉस्पिटलाइज ना हो जाऊं ये बंद होने वाला नहीं है, चाहे बेटी की शादी हो जो भी हो. बट आई डेफिनेटली फॉलो दिस रूटीन कंसिस्टेंसी. तो ये बहुत जरूरी है आपके बिजनेस में. अपने आप से पूछ के देखिए, मैं अपने लीडर्स को ही देखती हूँ और रोते रोते बोलती हैं मैम नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है. आई ऑलवेज आस्क क्या स्टार्ट किए, कब तक स्टार्ट करके रखे, मैक्सिमम डेज 1 month, 2 month, 3 month. मैम लोग ही नहीं आते हैं इसलिए हमने मीटिंग बंद कर दिया. मेरे भी मीटिंग्स में लोग नहीं आते थे व्हेन वी स्टार्टेड, बट आज भरे होते हैं रूम्स, कोई भी मीटिंग्स खाली नहीं जाती है. सो कीप ऑन डूइंग, आई एम श्योर यू विल गेट अ रिजल्ट. सो कंसिस्टेंसी इज अ मिलियन डॉलर वर्ड, इसको अपने वोकैबुलरी में जरूर डाल दीजिए. जो करें करते रहें. एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट अगर बनना है द प्लेस इज इंडिया, प्लेस इज इंडिया, बिकॉज नाउ वी हैव अ न्यू इंडिया. इंडिया इज चेंजिंग. आज अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हमारे इंडिया का है. तो दिस इज द प्लेस फॉर प्रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया चेंज हो रहा है. नाउ न्यू इंडिया इज कमिंग. ये लेडी 60 साल की हैं बट सी इज अमेरिकन. बट क्या आपको लगता नहीं हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है? एग्जैक्टली, आई एम ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्ड. ऑफकोर्स इंडिया इज चेंजिंग. अमेरिका यूरोप की तरह हमारा इंडिया भी बनते जा रहा है. लोग अपने आप से प्यार करने लगे हैं. लोग नहीं चाहते कि मैं एजेड दिखूं, वो नहीं चाहते कि उनके चेहरे पे रिंकल्स आए. और यही कारण है कि कॉस्मेटिक्स और वेलनेस की सेल इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है. मोर देन 40,000 करोड़ का कॉस्मेटिक्स ऑलरेडी हमारे इंडिया में सेल होता है. 1.5 लाख करोड़ का 2020 तक वेलनेस का सेल होगा. दिस इज न्यू इंडिया. अगर प्रेसिडेंट बनने का जगह है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है. मैं आपको एक चीज और यहां दिखाना चाहती हूं. आप इस मैप को देखिए, हमारे वर्ल्ड में अभी सिर्फ 4 प्रेसिडेंट हैं. चलिए हम जूली की बात करते हैं, मेक्सिको की जो हमारी प्रेसिडेंट हैं. मेक्सिको की जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, 12.2 करोड़. और वहाँ से हमें सीनियर प्रेसिडेंट जूली बन चुकी हैं एंड शी इज ग्रोइंग फास्ट. शी विल अचीव हायर टाइटल्स.
लेकिन अगर हम यहां देखें, हमारे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है 19.9. अब आप बताइए, प्रेसिडेंट मेक्सिको में होना चाहिए या हमारे भारत में? हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 19.9. हेलो लखनऊ, लखनऊ। अब हमें बताइए, हमें आने की जरूरत है आपके जगह? हमें आने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास लोग हैं, आपको बदलने की जरूरत है। कुछ लखनऊ के लीडर्स हमें बोले थे, कामनी जी आप जरूर आइए वहां पे, बट लुक एट योर पॉपुलेशन। दूसरी प्रेसिडेंट हमारी है वर्ल्ड में, और वो है हमारी इजिप्ट की। पता है वहां का पॉपुलेशन कितना है? 8.2 करोड़। अगर हम यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाएं तो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 11.2। मीता, सुनील, क्या चीज की कमी है? ड्रीम हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंसी। तीसरी प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो है हमारी टर्की। टर्की का पॉपुलेशन हम देख लेते हैं, 7.2 करोड़। और यहां अगर हम कंपेयर करें तो हमारे तमिलनाडु का भी पॉपुलेशन है 7.2 करोड़। और अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, किसी स्टेट्स की पॉपुलेशन 7 करोड़ से कम नहीं है। अब आपको क्या लगता है, प्रेसिडेंट कहां होना चाहिए? India is a place. India is growing. People are changing. They want to look beautiful. And we have the beauty products. We can offer the money. जो लोगों के पास हमें पहुंचना है, we can capture the whole India. कितने लोग काइट के बारे में जानते हैं? पतंग जानते हैं? पता है हर पतंग की एंड कहां होती है? This is the last slide. Now I'll not take long time. पतंग की एंड कहां होती है? डस्टबिन में। हर पतंग काइट की एंड कहां होती है? डस्टबिन में। बट वो बनता क्यों है? आकाश की ऊंचाई को छूने के लिए। और हर पतंग डस्टबिन में जाने से पहले आकाश को जरूर छूता है। हमारी भी एंड कहां होती है? हम लोगों की मिट्टी में। बट उससे पहले हमें आकाश को छूना है। धरती पर लेने नहीं आए हैं, धरती पर देने आए हैं। कोई अगर आपको ये बोलता है कि खाली मुट्ठी आए थे, खाली मुट्ठी जाएंगे, दे आर द वायरल फॉर सोसाइटी। खाली मुट्ठी आए थे, मुट्ठी भर के लेके जाएंगे, इतनी नाम कमाएंगे कि दुनिया, लोग आपको हजारों साल याद करते रहेंगे। मत बोलिए कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ओरिफ्लेम नहीं करती हूं। यहां अगर हम कंपेयर करें, बिल गेट्स अपना सारा प्रॉपर्टी दान कर दिया, बट स्टिल ही इज वर्किंग, क्योंकि हमारा काम है देना, लेना नहीं, आकाश की ऊंचाई को छूना। और हमारे पास इतना पावरफुल ओरिफ्लेम सक्सेस प्लान है, हम कितना लोगों को दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, खड़े हो जाएं, एंड आई विल जस्ट Say, just close your eyes. Just close your eyes and think about your dreams. Rewards, the red carpet. Visualize. Dekhiye, roz dekhiye. Bhagwan ke samne jaake every day. Isse communicate kariye. I want to become president. Chaliye, aankh kholte hain. And 5 times say yes to your dream. 5 times. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Thank you for listening to me.